हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है रूम, जो एक फैंटेसी और हॉरर ड्रामा है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि अगर हमारी सारी विशेष किसी वजह से पूरी होती रहे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए आज की मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम केट और लड़के का नाम मैट होता है, जिन्होंने एक पुराना घर खरीदा होता है और उसमें वो शिफ्ट हुए होते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो लोग अपना सामान उस घर पे सेट कर रहे होते हैं और सामान सेट करने के साथ साथ वो वहाँ का पुराना सामान जो है उसको भी बाहर फेंक रहे होते हैं। घर की साफ सफाई करते समय केट को एक बर्ड दिखती है जो कि मर चुकी होती है। केट उस चिड़िया को लेके जाती है और घर के बाहर फेंकने के लिए। तभी मैट जो होता है घर का पुराना सामान खिड़कियों से फेंक रहा होता है और सामान फेंकने की वजह से बहुत तेजी से आवाज होती है। उसकी आवाज से केट का ध्यान मैट की तरफ जाता है और वो वापस चिड़िया की तरफ देखती है तो वहां पे चिड़िया नहीं होती है। केट यहाँ थोड़ा सा शॉक्ड होती है लेकिन कुछ सोचती है और फिर वापस आ जाती है। यहाँ मैट को भी पुराने सामान में एक की दिखाई देती है। की कुछ डिफरेंट आकार की रहती है इसलिए उसका ध्यान जाता है, लेकिन वो उसको देखने के बाद उसको भी बाहर फेंक देता है। अगला दिन होता है और मैट को वॉल के स्टिकर के पीछे एक की होल दिखाई पड़ता है और जब वो उस की होल को देखने के चक्कर में सारा वहाँ का स्टिकर हटाता है तो उसे वहाँ पे एक डोर दिखता है। मैट को ध्यान आता है कि उसने एक की देखी हुई थी पुराने जमाने में। मैट जाता है और वहाँ से वो की लेके आता है। मैट यहाँ पे केट को भी आवाज लगाता है और उसको भी ये डोर दिखाता है। उसके बाद दोनों मिलके इस गेट को खोलते हैं और गेट के खोलते ही वहाँ की लाइटें बंद और चालू होना चालू हो जाती हैं। इस लाइट के फ्लैश से मैट वापस लौटता है और इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन केट जो होती है वो अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही रूम के अंदर जाती है वहाँ की लाइट फिर से चमकना चालू हो जाती है। केट तुरंत वापस होती है और लाइटें फिर से रुक जाती हैं। केट ने ये चीज मार्क किया होता है कि जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं लाइटें फ्लैशिंग हो रही होती है, वापस आने पे वो बंद हो जा रही होती है। केट ने इस पैटर्न को बहुत अच्छे से देख लिया होता है। थोड़ी देर बाद जब इलेक्ट्रिशियन आता है और मैट वहाँ के सारे सर्किट दिखाता है, इलेक्ट्रिशियन ने वहाँ पे बिजली के तार का ऐसा जाल देखा होता है जो कि उसके बस के बाहर का था और ये जाल एक मकड़ी के जाल की तरह था जहाँ पे वायर ही वायर लगे हुए थे। इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा होता है, लेकिन जाते जाते इलेक्ट्रिशियन ने एक बात बताई होती है जिससे मैट थोड़ा सा घबरा जाता है। इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि यहाँ पे 2 साल पहले 2 लोगों का मर्डर हुआ था, शायद आपको पता ही होगा, और ये बोल के निकल जाता है। मैट के मन में ये बात घर कर जाती है और वो थोड़ा सा परेशान भी दिखता है, लेकिन मैट ने ये बात अभी तक केट को बताई नहीं होती है। इन सब चीज़ों के स्ट्रेस में आके मैट ने अपनी वाइन की बॉटल लेता है और उसी रूम में जाके ड्रिंक करने लगता है। बॉटल ख़त्म होने लगती है। थोड़ी देर में वो वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है कि काश एक और बॉटल होती तो अच्छा रहता है। थोड़ी देर में लाइट फ्लैश होती है और वहाँ पे हमें एक नई वाइन की बॉटल दिखाई देती है। मैट थोड़ा सा हैरान था कि ये बॉटल कहाँ से आई, लेकिन अब उसे पता चल चुका था ये मैजिक रूम की वजह से ही हुआ है। तभी केट आती है और मैट उसे विश करने के लिए बोलता है। केट उससे $1,000 की डिमांड करती है। थोड़ी देर के बाद फिर से लाइट फ्लैश होती है और मैट वहाँ पे पैसे ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे $1,000 भी मिल जाते हैं। उसके बाद केट वहाँ पे $1,000,000 की डिमांड करती है। उसके पास $1,000,000 भी आ जाता है। जब भी मैजिक होता है वहाँ की लाइट फ्लैश होती है। अब ये दोनों मिलके इस मैजिक को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। नया नया खाना मंगा रहे होते हैं, ड्रेसेस मंगा रहे होते हैं, अपनी पेंटिंग मंगा रहे होते हैं और इस मैजिक के जाल में ये लोग फंसते जा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और हमें पता चलता है केट और मैट का नशा उतर चुका होता है और यहाँ पे उनकी थोड़ी पुरानी लाइफ के बारे में बताया जाता है। केट को 2 बार पहले अबॉर्शन हो चुके थे, किसी वजह से वो उसको बेबी नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से वो परेशान थी। जब ये सोचती थी तो परेशान होने लगती थी। मैट उसको समझाता है और बोलता है कि हम फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन केट यहाँ पे बोलती है कि इस लेबर पेन को मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ता है और इस वजह से हम ट्राई नहीं करेंगे। इसी बीच दोनों के बीच में झगड़ा होता है और मैट वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ मैट जॉन से मिलने जाता है। जॉन वही व्यक्ति है जिसको 2 लोगों की किलिंग के लिए जेल हुई है। वो 2 लोग वहीं पे मरे थे जहाँ पे अभी मैट और केट रह रही होती है। जॉन से मिलने के बाद मैट और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जॉन ने उससे बोला होता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उस मकान को खाली कर दो, अदरवाइज वो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। मैट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। मैट वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मैट ने जैसे ही टैक्सी के पैसे देने के लिए कुछ नोट निकालता है, उसके हाथ में नोट नहीं होते,
उसकी जेब से कुछ राख निकलती है और उसे ध्यान में आता है कि जॉन ने जो बोला था उसे सब समझ में आ गया होता है। वो तुरंत घर के अंदर जाता है और वहाँ की चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकता है और देखता है कि उसका क्या असर हो रहा है। और उसका शक यहाँ पे पक्का हो गया, क्योंकि जो भी मंगाया था वो सब अब राख में बदलने लगा था। वो ये देख के बहुत परेशान हो गया था। तभी वो वहाँ पे कैट को आवाज़ लगाता है, लेकिन कैट उसकी आवाज़ को सुन के आती नहीं है। तभी मैट कैट के पास जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि कैट के पास एक छोटा सा बेबी होता है जिसको वो गोद में लिए होती है। मैट बहुत गुस्सा होता है, लेकिन मैट उसे सच्चाई नहीं बताता है कि ये बेबी उसके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। उन्होंने बेबी का नाम शेन रखा। एक दिन कैट शेन को लेके बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैट उसे मना कर देता है, उसे बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन कैट जो होती है नहीं मानती और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है वो देखती है कि शेन का सारा शरीर लाल हो गया है और वो बहुत कस कस के रो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। तभी मैट जो होता है केट को परेशान देख के उस बेबी को उठा के घर के अंदर लाता है और हम देखते हैं वो बेबी ठीक हो गया है। लेकिन ठीक होने के साथ साथ उसकी उम्र 5 साल बढ़ चुकी होती है। 5 साल दोस्तों 5 मिनट भी नहीं लगा और वो 5 साल की उम्र में पहुंच गया था। इसका मतलब था कि अगर बेबी बाहर जाएगा तो उसकी एज बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते वो मर जाएगा। मैट अब बहुत परेशान होने लगा था, क्योंकि वो जानता था इस बेबी की वजह से कोई ना कोई बड़ी परेशानी उसे झेलनी पड़ेगी। वो अब अपने रूम में रहने लगता है। वो कैट से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि कैट जो है शेन के साथ बिजी रहती है, शेन को टीच करती है, शेन को पढ़ाती है, शेन भी उसको अपनी मम्मी समझ के ही रहता है। इसी बीच मैट ने एक गन का ऑर्डर दिया होता है, क्योंकि वो जानता था कि इस गन की ज़रूरत उसे कभी भी पड़ सकती है। एक दिन उनके घर का फ़ोन बजता है और फ़ोन शेन ने पिक कर लिया होता है। इसी वजह से शेन के ऊपर सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। वो फ़ोन किसी और का नहीं, जॉन का होता है और जॉन उससे पूछता है कि तुमने बेबी विश करके मांगा है ना। जॉन बोलता है कि अब टाइम आ गया है। मैट बोलता है कि कोई ना कोई तो तरीका होगा कि इस बेबी को उस श्राप से मुक्त कराया जा सके। जॉन बोलता है ना, अगर अमर होना है तो पहले भगवान को ख़त्म होना पड़ेगा, इसलिए वो बेबी अगर जीना चाहेगा तो सबसे पहले या जिसने विश करके मांगा है उसको मारेगा और वो अमर हो जाएगा। मैट को समझ में आ जाता है कि जॉन किस बारे में बात कर रहा है और उसे रियलाइज होता है कि शेन आज नहीं तो कल अपने जीने के लिए उस कमरे में विश जाके मांगेगा और वो दोनों मर जाएंगे। दिन निकलते जाते हैं। अब शेन को भी मैजिक रूम के बारे में सब पता चलने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी बच्चा होता है, उसे केवल बाहर जाने रहता है। वो उस रूम में जाता है और विश करता है कि उसे बाहर की दुनिया में रहने को मौका मिले। वो कमरा एक पूरी नई दुनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो खेल रहा होता है घर के बाहर। वहाँ पेड़ भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, बर्फ भी होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी कैट आती है और उसको वहाँ से ले कर चली जाती है। दोस्तों शेन को यहाँ के मैजिक के बारे में अब सब पता चल गया है। शेन अब बहुत डेंजर होने वाला है। शेन बड़ा तो ज़रूर हो रहा था, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि वो किसी बच्चों के साथ में नहीं रहता था। जो कैट सिखाती थी वही सीखता था। उसे नहीं पता है माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है। और एक बार शेन कैट को बोलता है कि मामा, बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। एज अ मॉम कैट उसको अपने पास सुला लेती है। यहाँ शेन जो भी कुछ कर रहा होता है वो कैट और मैट से सीख के ही कर रहा होता है। इसके बाद मूवी में हमें दिखाते हैं एक नाइट के बारे में, जिसमें शेन ने मैट और केट को देखा होता है जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसे पता नहीं होता है कि उसकी मॉम और वाइफ के रिलेशन के डिफरेंस के बारे में। मॉर्निंग में शेन घर से बाहर निकल जाता है। मैट और केट उसका पीछा करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बाहर से होके अंदर भी आ चुका है और उसने मैट के कपड़े पहने हुए हैं। अब वो टीनेजर बन गया है, यानी कि वो अब लगभग मैट के बराबर का हो चुका है। यहाँ पे शेन ने मैट की गन भी चुरा ली होती है और उससे वो मैट के ऊपर फायर भी करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बंदूक की गोली इधर उधर लगती है। तभी कैट बीच में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। शेन थोड़ा इमोशनल भी होता है कैट के प्रति, तो वो उसकी बात सुनने लगता है। तभी मैट आता है और उससे गन छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। इन्हीं सब के बीच कैट वहाँ पे गिर जाती है और उसके सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सीन यहाँ पे चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैट कैट को जगाता है और बोलता है कूल डाउन, अभी सब ठीक है। पे कैट शेन के बारे में पूछती है,
तभी मैट बोलता है शेन मर गया है। कैट बोलती है कैसे। मैट बताता है बंदूक की छीना झपटी में गोली उसको लगी और वो मर गया। कैट यहाँ पे पूछती है कि उसकी बॉडी कहाँ है। मैट बोलता है कि मैंने उसे घर के बाहर छोड़ दिया और वो अब राख बन चुका है। इन सब बातों के बीच में कैट को मैट का कुछ बिहेवियर चेंज दिखता है, जैसे कि मैट ना हो शेन हो, क्योंकि वो वही हरकतें कर रहा था जो शेन करता था। थोड़ी देर के बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि ये मैट नहीं है, ये शेन है। उस मैजिक रूम में कैद कर लिया है और उसने अपनी विश मांगी है शायद कि वो कैट के साथ यहाँ पे रह सके। वो मैजिक रूम को अंदर से बंद कर लिया होता है। ओरिजिनल मैट ने फैसला लेता है कि वो वॉल को साइड से होल करके मैजिक रूम के अंदर जाएगा और कैट को वहां से लेके आएगा। रूम के अंदर का मैट कैट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कैट का रेप कर देता है। यहाँ पे कैट को बहुत बुरा लगता है और बहुत शेम फील कर रही होती है और वहां से भागने का ट्राई करती है। तभी ओरिजिनल मैट भी होल करके उस मैजिक रूम के अंदर आ चुका होता है। दोनों ने मैजिक रूम से निकलने के लिए एक विश करते हैं कि उनका एक कॉपी शेन के सामने आ जाए, जिससे उनको भागने में टाइम मिल जाए। और वैसा ही होता है। शेन समझ नहीं पाता है कैट और मैट का एक कॉपी शेन के सामने रहता है। शेन मैट को मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है। मारने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये दोनों ओरिजिनल कैट और मैट की कॉपी और ओरिजिनल कैट और मैट भाग रहे होते हैं। भागते 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 वो लोग उस मैजिक वाले डोर से बाहर निकल आते हैं और शेन भी उनका पीछा करते करते उस मैजिक रूम से बाहर आता है। और शेन जो होता है मैट को मारने के चक्कर में घर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे मैट और केट ने दरवाज़ा बंद कर लिया होता है। हमें दिखाया जाता है कि शेन अब बहुत कस कस के चिल्ला रहा होता है मॉम मॉम। ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। उसकी एज बढ़ रही होती है, उसका शरीर जल रहा होता है, लेकिन ये सब देख के दोनों लोग बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन वो गेट नहीं खोल सकते थे। और थोड़ी ही देर में हमें दिखाते हैं शेन बूढ़ा होता है और उसके बाद वो भी राख बन जाता है। यहाँ कैट और मैट बहुत दुखी होते हैं, उनकी वजह से शेन मारा गया और दोनों को बहुत ख़राब लगता है। शेन ने जो भी कुछ किया वो सब ब्लैक मैजिक का पार्ट था, इसलिए हमें शेन के करैक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। लेकिन शॉर्टकट ऑलवेज गिव यू सॉरो इन लाइफ, तो हमें शॉर्टकट कभी भी अपनाने नहीं चाहिए। मूवी में एक लास्ट सीन भी दिखाते हैं जिसमें मैट और केट किसी और जगह पर रहने लगे हैं और केट ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया होता है। उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी वजह शेन था। और यहाँ पे लाइट टिमटिमाती है और मूवी एंड हो जाती है। शायद दोस्तों हमें जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको मूवी जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।